बोल के ले गए और फिर वहाँ से उन्हें कर्नाटका ले गए, वहाँ उनके फ़ोन छीन लिए गए, उनके पास कोई संसाधन नहीं था, वो भाषा नहीं समझ पाते थे वहाँ पर, और उसके बाद उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। अनाज अकेला और वो सब्जी खुद ले आता था, तो कैसे 20 रुपये की सब 50 पंजा की सब्जियाँ 150 रुपये चढ़ाता था। क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास था जो माटी की ताकत के कारण सफल हो पाया, और आज हमें अच्छा लग रहा कि हमारे घर के लाल, हमारे घर की मात्र शक्ति हमारे बीच में आई। हम लोगों ने करीब 25-30 लोग वहाँ पर भेजे, उसके बाद उनकी निगरानी में लोग अपना सामान उठा पाए और फिर वहाँ से उन्हें हम लोगों ने बस में बैठलवाया, बस के बाद ट्रेन में बैठलवाया, और जगह जगह जहाँ पर भी खाने की पीने की जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो हमने अपने विभिन्न लोगों के माध्यम से करवाई है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तक। पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जो मजदूर हैं, और करीब एक हफ्ता होने को है, इनकी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से चल रही थी कि इनको कर्नाटक में बंधुआ मजदूरों की तरह उपयोग किया जा रहा है, और जिसमें कई लोगों ने अपना प्रयास किया उनको वहाँ लाने का। जैन साहब का भी एक बड़ा अथक प्रयास रहा है, और वो भी पीछे मीडिया के लोगों को बाइट दे रहे हैं, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, और मजदूरों से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम गौरव जी से हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या पूरी ये घटना रही, कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि इनको भी इसकी जानकारी होगी जब ये लोग इस पर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। तो गौरव जी, पहले ये बताएं कि अभी वर्तमान में, क्योंकि युवा हैं, ठीक है, आप युवा कांग्रेस राजनीति का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन कौन से पदों का अभी निर्वहन कर रहे हैं आप? अभी मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ यूथ कांग्रेस का, और प्रदेश प्रवक्ता हूँ अपने मेन कांग्रेस का, और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, और जो लीगल मैटर्स होते हैं कांग्रेस पार्टी के वो सब मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो इन्हीं सब, और उसके साथ ही साथ सबसे पहले कार्यकर्ता हूँ, तो ये तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमें बताएं कि मजदूरों जैसे एक तो संख्याओं का बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, ठीक है, कहीं हमें 41 दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है जैसे ऑफ कैमरा के बाद चर्चा चल रही 300 हैं, क्या कुछ कन्फर्मेशन हुआ है? करीब 200 से 250-300 लोग करीब हो सकते हैं, चूँकि अलग अलग ट्रेनों से मजदूर आए हैं। हुआ ये कि यहाँ से करीब 300 लोग जो थे सकरार से, जिनको महाराष्ट्र के कुछ कॉन्ट्रैक्टर थे जो लोकल लोगों की मदद से उन्हें यहाँ से मजदूरी का बोल के इंदौर का बोल के ले गए, और फिर वहाँ से उन्हें कर्नाटका ले गए, वहाँ उनके फ़ोन छीन लिए गए, उनके पास कोई संसाधन नहीं था, वो भाषा नहीं समझ पाते थे वहाँ पर, और उसके बाद उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, ना उनको पैसे समय से मिल रहे थे, ना उनके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी, और जब उनके रिश्तेदारों ने, वहाँ के गांव के लोगों ने हमें 16 तारीख की बात है, ये 4 दिन पहले की बात, हमारे संज्ञान में ये बात आई, पिताजी के संज्ञान में बात आई, अखंड प्रताप जी थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको ले जाया गया है, वहाँ पर उनको कुछ मिल रहा है, बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, टोटली इलीगल जो चीज़ है उसको करा रहे, तो उसके लिए लेकर हमने वहाँ पर जो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर संपर्क साधा गया, पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिस से साधा, उसके बाद हमारे कांग्रेस के विधायक हैं गणेश उकेले जी, उनसे हमने बात करी, हमारे पिताजी ने बात करी, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने DM SPO जो पुलिस प्रशासन था उनको भेज के उस जगह का पहले तो ट्रेस करवाया, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा था कहाँ हैं, कहाँ पर, तो उन जगह पर उन्हें ट्रेस करवाया, फिर वहाँ पर एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भाग गया था, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर लोग थे वो आने को तैयार नहीं थे, उन्हें डर था कि कहीं जान माल का उन्हें खतरा ना हो, तो वहाँ पर फिर वापस से पुलिस के हम लोगों ने करीब 25-30 लोग वहाँ पर भेजे, उसके बाद उनकी निगरानी में लोग अपना सामान उठा पाए और फिर वहाँ से उन्हें हम लोगों ने बस में बैठलवाया, बस के बाद ट्रेन में बैठलवाया, और जगह जगह जहाँ पर भी खाने की पीने की जो भी व्यवस्था हो सकती थी वो हमने अपने विभिन्न लोगों के माध्यम से करवाई है। झांसी स्टेशन से जो आप लोग इनके घर तक पहुँचा रहे होंगे, आप ही लोगों की कोशिश है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बसों का उपलब्ध है? यहाँ से बसों की उपलब्धता है यहाँ पर, उसके साथ उनको भी जो भी जैसे दिक्कत है खाने की, कम्बल की, और जो बाकी स्वागत वगैरह करा है वो सब हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको सुविधापूर्ण तरीके से अपने घर तक पहुंचाया जा सके। ये कारण क्यों बनते हैं? क्योंकि बुंदेलखंड शुरू से ही बिल्कुल एक ऐसी जगह रही है कि लोग यहाँ से पलायन करते रहे हैं, कब निजात मिलेगा लगता है? सबसे बड़ी विडम्बना है बुंदेलखंड की कि एक तो ये दो भागों में बटा हुआ है, कोई भी इसकी कोई भी जो स्कीम लाते हैं, चाहे बुंदेलखंड विकास पैकेज हो, आप समझिए 2011-2009 में जब कांग्रेस ने बुंदेलखंड पैकेज दिया था, तमाम मंडियाँ बनी थी, चाहे वो यहाँ पर आपके रक्षा के पास बनी हो या फिर तमाम ललितपुर में बनी हो, बहुत सारा पैसा आया गया, लेकिन हुआ क्या था कि उस टाइम UPA की सरकार थी, यहाँ से प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद थे, मंत्री थे, तो हम लोग पैसा तो यहाँ पर देते थे, लेकिन जो कार्यों का निर्वहन होता था वो छोटे वहाँ पर राज्य सरकार को करना होता था, तो उसमें कितना पैसा करप्शन में गया, कितना पैसा एक्चुअल में लगा है वो आज आप सभी के सामने है। आज भी आप देखेंगे तमाम जो किसान बाजार हैं वो बंद हैं, तमाम जो पैकेज के अंदर आने वाली जो चीज़ें थी वो एक तरीके से गायब सी हैं,
तो वो पूरा पैसा जो है वो डंप हो चुका है। उसी का कारण है कि यहाँ के जो मजदूर हैं, आप दिल्ली में जाएंगे कहीं पर भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछेंगे, ठेले चलाने से वाले से पूछेंगे, तो वो कहीं ना कहीं झांसी और उसके आसपास कहीं निकलेगा। तो सबसे बड़ा कारण तो मुझे लगता है जो मनरेगा को कमज़ोर करा गया एक तरीके से। पहले आप देखिए मनरेगा के द्वारा कितने लोगों को रोज़गार मिलता था, अब जब फिक्स होता था और आप समझिए सोच है एक तरीके से क्या चाहते हैं, जो सोच है ये मतलब एक जो विचारधारा है वो चाहती है कि किस प्रकार से जो किसान है जिसके पास ज़मीन है उसको किसी तरीके से लैंडलेस लेबरर बनाकर उसको आप किसी तरीके से शहर में उससे काम करवाए जाए, हमेशा के लिए बधुआ मजदूर बना दिया हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पे आदमी जो है वो ज़मीन बेचने को मजबूर है। बुंदेलखंड का जो किसान है उसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जो भी ज़मीन है वो 5 लाख 10 लाख रुपये में बेच के जाके शहर में काम करता है, 5,000 की नौकरी करता है। तो वो सोच एक तरीके से ख़राब है। और मनरेगा को अगर देश के प्रधानमंत्री सदन के पटल पर आकर बोलेंगे कि ये सिर्फ गड्ढा खोदने की योजना है तो आप समझिए कि उससे कैसा जाएगा। तो वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो इलिटरेसी बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ती है, और उसी के साथ जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती है तो मास माइग्रेशन होता है, अर्बनाइजेशन होता है। पूरे पूरे आप देखेंगे पूरे पूरे गांव जो है वो खाली हो रखे हैं आज बुंदेलखंड में। उसका कारण यही है कि लोगों को उनके गाँव में काम करने को नहीं मिलता। छोटी छोटी जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं आपकी इंडस्ट्रियाँ थी, उनको ख़त्म करा गया एक तरीके से जानबूझ के। जबकि बुंदेलखंड में टूरिज़्म का बहुत अच्छा हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप देखिए जब ये चीज़ें आएंगी बुंदेलखंड में तो इसमें कोई स्मॉल प्लेयर नहीं रहेगा, इसमें आएंगे वही बड़े प्लेयर जो बड़े बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो किसानों के हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद के एक साथ फार्मिंग करेंगे, या फिर वो लोग आएंगे इनके पास 500 करोड़ रुपये के रिज़ॉर्ट यहाँ पर खोलेंगे। जो गरीब आदमी है जिसको यहाँ पर पर्यटन से फ़ायदा होना चाहिए वो उनको नहीं होगा। तो इसी सोच के खिलाफ हम लोग आंदोलन भी चला रहे हैं। हमेशा से कोशिश रही है कि जो आदमी है, जो यहाँ का लोकल आदमी, उसको काम मिले यहाँ पर लोकल में ही। जी आपने गौरव जैन को सुना, उन्होंने पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया क्यों ये स्थितियाँ बन रही हैं बुंदेलखंड में। वो भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ मजदूरों से हम चर्चा कर लें, और आप इनको आसानी से पहचान सकते हैं हमारे कैमरे के, क्योंकि सभी का सम्मान किया गया है। तो माला भैया भी माला डाले हुए हैं जी, थोड़ा हमें समझ। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? राजेंद्र। हम सुन नहीं पा रहे थे। राजेंद्र। कहाँ से है राजेंद्र? सकरार से। कितने दिन हो गए वहाँ पे जहाँ पे थे आप, कर्नाटक? 4 महीने। 4 महीने। हाँ, तो कौन गया था वहाँ पे? ठेकेदार लुआ गया था हम। तो कहाँ यहीं के थे ठेकेदार? नहीं, वहीं कहीं वो था महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के? हाँ। तो कहीं से तो पहचान हुई होगी आपकी कि कैसे वो आपको मिले? पहचान मुंशी था ना, कहीं का कैसे बिल आ गए थे, पैसे जिम्मेदारी से देते हैं भी तो पैसे। तो वहाँ क्या रुपये रुपये मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? पैसा कछु नहीं मिल रहा था उधर खाने के लिए, खाना के नाज अकेला, और वो सब्जी खुद ले आता था तो कैसे 20 रुपये की सब 50 50 की सब्जियाँ 150 रुपये चढ़ाता था काफी पैक 150 की आई है जो किलो। मारते वो गाय गल्ला सुबह से देता था, माँ के लोड़े माता चो उठो जल रही सुबह से 4 बजे से, और 8 बजे से रात के छोड़ता था वो। आपने इन लोगों को सुना, और तमाम लोग हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी हम चर्चा कर लें। आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे के पीछे काफ़ी लोग हैं, हालांकि ये वाइट हो जाए। जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे आज आप इतने लोगों को झांसी ले आए हैं? हम चूंकि ये एक ऐसा प्रयास था जो माटी की ताकत के कारण सफल हो पाया, और आज हमें अच्छा लग रहा कि हमारे घर के लाल, हमारे घर की मातृशक्ति हमारे बीच में आई। संख्या का बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, 41 हैं, कोई बता रहा है 300 हैं, कुछ कंफर्म नहीं। 70 लोग गए थे, ये 70 में 4-5 लोग भक्के आ गए थे। हाँ। अब वर्तमान में 70 ही मान के हम चलेंगे जी। जैन साहब ने अपनी बात रखी, और तमाम लोग आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे पीछे साइड। ठीक है ठीक है, चलते हुए चर्चा कर लेते हैं चलते हुए। नाम क्या है आपका? दयाराम। दयाराम कहाँ से? दयाराम सकरार। सकरार से? कितने महीने रहे वहाँ? 3 महीने। 3 महीने? हाँ। अच्छा, मारते पीटते थे क्या? बोलो,
मारते पीते थे? नहीं नहीं मारते पीते नहीं, वो धमकी देते थे, बोलते थे तुम घर जाने की जान से खत्म कर दे। जो हमारे ही साथ है एक, वो उनसे उनका कांटेक्ट हुआ होगा तो वो ले गए थे। आपने सब मजदूरों को भी सुना और प्रदीप जैन ने भी अपनी बात रखी और गौरव ने भी अपनी बात रखी। अब इन लोगों का सम्मान किया जा रहा है। आप देखिए हमारे कैमरे की तस्वीरों में, आप देखिए, आप कैमरे में दिख रहा होगा लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जो मजदूर वहां से आए हैं द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।